अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओके गाइस, तो हम ईएनटी के सर्जिकल प्रोसीजर्स में जो अब करने लगे हैं प्रोसीजर, अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज टॉन्सिलेक्टमी। आप सबको पता है कि हमारे पास जितने भी चीज़ें हैं उन सब में से टॉन्सिलेक्टमी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी रीज़न ये है कि आपके पास इसका एक तो होता बहुत कॉमनली है, मतलब जो आपके कॉमनली होने वाली चीज़ें हैं, मतलब जो आपके होने से मुराद ये है कि जो आपकी सर्जरीज ज़्यादा कॉमनली होती हैं, हर रोज़ के हिसाब से होती हैं, वैसे भी ज़्यादा पूछी जाती हैं, ठीक है। दूसरी बात यह कि आपके पास बाकायदा तौर पे इसका वो भी आता होता है, सिनेरियो आता है, बहुत ज़्यादा आता है एसईक्यू में, और उसमें वो आपसे एक स्टेप में या एक पार्ट में तो अक्सर ही पूछ लेते हैं, या तो वो इंडिकेशंस पूछ लेंगे या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस पूछ लेंगे, या फिर उसके आपसे पूछ लेंगे तो पोस्ट ऑप केयर क्या है पेशेंट की, या फिर उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है, मतलब इसकी हर चीज़ ही आती है। इवन आपसे वाइवा में अगर किसी का दिल करे तो आपसे इसके स्टेप्स भी मोटे मोटे पूछ लेगा। अब जाहिर है वो आपसे एक एक डिटेल नहीं पूछेगा कि यहाँ हमने इंसिजन कितने मिलीमीटर्स का दिया था या कितना गहरा दिया था, इतना आपसे रिक्वायर्ड नहीं होता। लेकिन जो कहती हूँ ना मैं, मतलब कुछ चीजों में आपसे कहती हूँ कि बिल्कुल भी स्टेप्स याद रखने की जरूरत नहीं है, तो वाकई में उनसे बिल्कुल भी नहीं पूछते, लेकिन इसके आपसे स्टेप्स पूछे जा सकते हैं। इवन किसी का दिल करे तो आपसे चाहेगा कि वो आपको पता हो, क्योंकि ये बहुत ही लाइक सिंपल सा प्रोसीजर है, कोई ऐसा मुश्किल सा भी नहीं है। इवन जो इस इंस्ट्रूमेंट्स, आपको पता है वैसे भी आपका इंस्ट्रूमेंट्स का एक स्टेशन भी आता होता है आपके ओएसपी में, तो इसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो अक्सर आते हैं। मैं अभी आपको तस्वीर भी दिखाऊंगी, बॉयल डेविस माउथ गैग उसकी। अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं आपको लाजमी इंस्ट्रूमेंट्स पे पूरी एक अलग वीडियो भी बना दूंगी, जिसपे मैं आपको सारे ही जो आपके ज्यादातर ऑस्पी में रिपीटेडली आस्क इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बता दूं। तो स्टार्ट करते हैं फिलहाल टॉन्सिलेक्टमी। जरा सा प्रोसीजर से बात करके तस्वीरों के साथ मैं फिर उसके बाद मैं इंडिकेशन और बाकी सब चीज़ों पर जाऊंगी। अच्छा, आपको पता है कि टॉन्सिलेक्टमी की इंडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले चलो वो बाद में बात करते हैं। जो हमने प्रोसीजर करे हैं टॉन्सिलेक्टमी है क्या जी, टॉन्सिल्स का रिमूवल, ठीक है। और कौन से टॉन्सिल्स? टॉन्सिल्स तो हमारे पास जो पूरे पांच तरह के होते हैं, उनमें से जो पैलेटाइन टॉन्सिल्स हैं, यानी जब आप मुंह खोलते हैं तो सामने जो नजर आते हैं वो आपके पैलेटाइन टॉन्सिल्स होते हैं, उन टॉन्सिल्स का जब रिमूवल होता है उसको टॉन्सिलेक्टमी कहते हैं, ठीक है। जरूरत क्यों पड़ेगी वो हम इंडिकेशन में बात करते हैं। जो हमने तरीका इसको करने का, सबसे पहले होता है कि पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं, लोकल में बहुत ही कम, मतलब मैंने जितने देखे हैं हमेशा जीए में ही हो रहा होता है, साथ आपकी एंडोट्रेकियल ट्यूब पास्ट होती है और उसके साथ वो जीए में करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अच्छा दूसरी बात ये कि फिर पेशेंट की जो पोजीशन होती है, रोज पोजीशन, ये इस पिक्चर में आप देखेंगे आपको ज्यादा क्लियर समझ आएगा। रोज पोजीशन ये होता है कि पेशेंट बिल्कुल सीधा लेटा हुआ है, लेकिन उसकी नेक थोड़ी सी एक्सटेंडेड रखनी होती है हमने, और उस नेक को एक्सटेंड करने के लिए जो कंधे हैं ना उनके नीचे हम एक पिलो रख देते हैं, ठीक है। ये आपको नजर है कंधों के नीचे इन्हें पिलो सा सपोर्ट दिया हुआ है, उसकी वजह ये होती है कि जब कंधों के इस पोर्शन के नीचे पिलो देंगे तो नेक थोड़ी सी पीछे एक्सटेंड हो जाती है, और नेक को भी सपोर्ट करने के लिए एक रिंग की तरह कुशन, जैसे छोटे बच्चों का नहीं होता होता उनका सर सपोर्ट करने के लिए एक रिंग जैसा कुशन बना होता है, वैसा रिंग जैसा कुशन हम सर के नीचे रखते हैं ताकि सर भी सपोर्टेड रहे, ठीक है। तो इस पोजिशन को रोज पोजिशन कहते हैं, याद रखना, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज रोज पोजिशन, ओएसपी का एक पूरा क्वेश्चन आता है इस पे। अच्छा, दूसरी फिर इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें जो माउथ खोलने के लिए ना, ये जो मुंह खुला हुआ है जिस चीज से जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है उसको बॉयल डेविस माउथ गैग कहते हैं, ठीक है जी। तो ये बॉयल डेविस माउथ गैग ओएसपी में इस कदर ज्यादा आता है ना जिसकी कोई हद नहीं, मतलब ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, इसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। इसको हम लगाते इस तरह से हैं कि अगर इंस्ट्रूमेंट कहूँ तो ये इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ये आपके टंग डिप्रेसर हैं डिफरेंट साइजेस के, और ये बॉयल डेविस माउथ गैग है। टंग डिप्रेसर के साथ जाहिर सी बात है ये आपने फिक्स करना होता है, और ये आपका इस तरह से फिक्स हुआ वो होता है कि ये आपका टंग डिप्रेसर भी अंदर गया है, ये बॉयल डेविस माउथ गैग उसके बीच में फिक्स हुआ है, और साइड पे पूरा एक स्टैंड होता है, मतलब वो भी तीन वो मैं आपको उसके अलग से तस्वीर दिखाती हूँ, बाकायदा स्टैंड बना होता है जिसको हमने गर्दन के नीचे से गुजारा हुआ होता है ताकि इसे सपोर्ट दिया जाए, मतलब ये पूरा तरीका होता है जिससे मुंह खुला रहेगा, ठीक है। तो ये बॉयल डेविस माउथ गैग और ये टॉन्सिल का सारा सामान ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इंस्ट्रूमेंट्स। अच्छा, अब पेशेंट को एनेस्थीसिया दे दिया हमने, जनरल एनेस्थीसिया रोज पोजीशन में लटा दिया, बॉयल डेविस माउथ गैग से उसका हमने मुंह खोल लिया, ठीक है। दांतों को और लिप्स को इंजर होने से लाजमी बचाना होता है आपने, और पीरियोडिकली अगर थोड़ा सा सर्जरी आप करें तो होंठों पे ना एक गीला सा गौज हम लगाते रहते हैं ताकि होंठ बहुत ज्यादा खुश्क ना हो जाए, क्योंकि मुंह खुला रहता है ना तो आपके लिप्स बहुत ड्राई हो जाते हैं, क्रस्टिंग से ब्लीडिंग होने का खतरा होता है, उसको बचाने के लिए, ठीक है। अब जब आपने प्रोसीजर करना है तो सिंपली ये करना है कि अब आपने टॉन्सिल्स को निकालना है, ठीक है। टॉन्सिल्स की आपको पोजिशन पता है ये, ठीक है। सबसे पहले आपने करना ये होता है कि आपने टॉन्सिल को एक इंस्ट्रूमेंट से थोड़ा सा होल्ड कर लेना, ठीक है, जो आपका होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट है, और उसके बाद जो एंटीरियर पिलर है यहाँ पर आप म्यूकस मेम्ब्रेन में इंसिजन देते हैं, ठीक है, जो एंटीरियर पिलर ऑफ टॉन्सिल होता है। उसके बाद आप इंसिजन को थोड़ा सा डीप लेके जाते जाते हैं, बल्कि इंसिजन एक देने के बाद ना आप ब्लंट इंस्ट्रूमेंट ले लेते हैं, कोई ब्लंट सीजर ले लेंगे, उससे आप मजीद टॉन्सिल को डायसेक्ट करते हैं ताकि वो पोस्टीरियर पोल से बिल्कुल अलग हो जाए।
जब वो टॉन्सिल आप देखें इस सेकंड स्टेप में ये क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले तो आपने पता है ना जनरल एनेस्थीसिया दिया, बॉयल्ड अप इस माउथ गैग से, पेशेंट का मुंह खोला, फिक्स किया, उसकी पोजीशन बनाई, सब कुछ हो गया, फिर इंसिजन दी, इंसिजन आपका अगला स्टेप होता है, इंसिजन के बाद आपने टॉन्सिल को सेपरेट करना होता है पोस्टीरियर पोल से विद अ ब्लंट इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता डायसेक्शन कंटिन्यू करते हैं और एक ये देखें इससे टॉन्सिल को पकड़ा हुआ है टॉन्सिलर स्नेयर या जो भी कोई टॉन्सिल होल्डिंग फोर्सेप होगा, ठीक है, एक हाथ से टॉन्सिल को पकड़ा हुआ है, पकड़े वाले के साथ आप आहिस्ता आहिस्ता उसको साथ मीडियली खींचते जाते हैं और पीछे वाली तरफ से यानी पोस्टीरियर जहाँ से ये अटैच्ड होता है टॉन्सिल अपने बेड के साथ, वहाँ से आप साथ साथ डायसेक्ट करते जाते हैं। जब आप सारी डायसेक्शन ऑलमोस्ट कर लेते हैं और सिर्फ एक कोना रह जाता है, अब ये देखें तीसरी पिक्चर में सिर्फ एक कोना टॉन्सिल का फिक्स रह जाता है, तो आप टॉन्सिलर स्नेयर को फिक्स करते हैं, उससे उस जगह को पिंच करते हैं, वो बिल्कुल अलग हो जाता है और टॉन्सिल जो है वो निकल के सारा बाहर आ जाता है। तो जितना तरीका अच्छे तरीके से, मतलब जितना प्रोसीजर अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया जाएगा उतने ही ब्लीडिंग के चांसेस कम होते हैं, जितना आप टॉन्सिलर बेड को डैमेज करने से बचाएंगे। अगर आपने बेड को डैमेज कर दिया और कोई वेसल ब्लीड होने लगी तो फिर तो जाहिर सी बात है कि आपको उस वेसल को ब्लीडिंग को कंट्रोल करना पड़ता है। इतना अच्छे तरीके से ये हो भी सकता है कि कोई वेसल भी ब्लीड नहीं करती और आराम से टॉन्सिल निकल के बाहर आ जाता है, ठीक है, मोटे मोटे स्टेप्स का आइडिया आपको इसके होना चाहिए। और अगर वैसे ब्लीड करने लग जाए तो फिर आपकी वो उसको जो जनरल कंट्रोल करने का तरीका है, थोड़ा सा आप एक दो मिनट का प्रेशर अप्लाई करें तो वो कंट्रोल हो जाती है, खून रुक जाता है। अगर प्रेशर से नहीं रुक रहा तो आप उसको लाइगेट करने की कोशिश करेंगे, तब भी नहीं रुक रहा तो आप उसको कॉटरी कर देंगे, ठीक है, आजकल तो कॉटरी कर दी जाती है फौरन से, कोई मसला नहीं होता आराम से, तो बहुत ही आसानी से इस तरह टॉन्सिलेक्टोमी हो जाती है। जब आप ऑपरेशन कर लेते हैं तो आपने उसके बाद मतलब तो दोनों टॉन्सिल्स रिमूव करने के बाद आपने उस जगह को अच्छे से साफ सूफ करके देख लिया, कोई ब्लीडिंग तो नहीं है, सब कुछ ठीक है, फिर आपने उस जगह पर ये जब आप बॉयल्ड लेविस माउथ गैग दोबारा से निकालेंगे उसके मुंह से, तो आपने लाजमी एंड में लिप्स को वेट करना होता है क्योंकि लिप्स बहुत ड्राई और क्रस्टी हो चुके होते हैं तब तक, ठीक है। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, और जो बच्चे इसको मिस करते हैं उनको अक्सर औकात ये समझा जाता है कि इनने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है। अच्छा जी, तो अब आप देख लेते हैं कि टॉन्सिलेक्टमी तो हमने कर ली, टॉन्सिल्स हमने निकाल दिए, एंड में हमने उसकी जो टॉन्सिल्स वाला बेड होता है जो खाली जगह होती है वहाँ पर थोड़ा सा स्पॉन्ज रख के अच्छे से उसको प्रेस कर देते हैं ताकि ब्लीडिंग भी रहे ना, ठीक है। अब देख लेते हैं इसकी इंडिकेशंस क्या थी। इंडिकेशंस वही बात है, कुछ चीज़ों की आपको ना चीज़ें समझने के साथ साथ पक्की पक्की याद इसलिए करनी होती है क्योंकि वो आपके क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आती है। अब ये आपका ऑस्पी का एसीक्यू का इतना रिपीटेडली आज क्वेश्चन है के मतलब फिंगर टिप्स पे होने वाली बात नहीं है इसकी, ठीक है। तो टॉन्सिलेक्टमी की कुछ एब्सोल्यूट इंडिकेशन है, कुछ रिलेटिव इंडिकेशन है, कभी 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 कभार हम इसको किसी और ऑपरेशन के पार्ट के तौर पे करते होते हैं, इन्हीं हेडेक के साथ आपने लिखना होता है जब ये आता होता है, ठीक है। एब्सोल्यूट इंडिकेशन में सबसे पहली तो चीज है कि अगर पेशेंट को टॉन्सिलाइटिस होता है रिकरेंट एपिसोड, अब रिकरेंट क्या है वो भी आपको पता होनी चाहिए, वाइवा ऑस्पी सब में आता होता है, तो अगर एक साल में 7 या उससे ज्यादा एपिसोड होंगी, 2 कंजेक्टिव सालों में 5 या उससे ज्यादा एपिसोड्स होंगी, ठीक है, 2 सालों में, 3 कंसेक्टिव सालों में 3 या उससे ज्यादा एपिसोड्स होंगी, किस चीज की टॉन्सिलाइटिस की, या फिर टॉन्सिलाइटिस इतना सवेर होता है कि 2 हफ्ते या उससे ज्यादा का आपका स्कूल से या किसी मतलब जो भी आपका वर्किंग एरिया वहां से आपको छुट्टी लेनी पड़ती है, मतलब इतना सवेर टॉन्सिलाइटिस आपको होता है, तो ये आपकी इंडिकेशन है, ठीक है। एब्सोल्यूट इंडिकेशन पहली है टॉन्सिलाइटिस। दूसरी इंडिकेशन है पेरिटॉन्सिलर एब्सेस। अगर बच्चों में पेरिटॉन्सिलर एब्सेस होती है तो जब पेरिटॉन्सिलर एब्सेस का मतलब है कि जो टॉन्सिल के पीछे एब्सेस बन जाती है, जब वो ठीक हो जाती है उसके 4 से 6 हफ्ते के बाद हमें टॉन्सिलेक्टमी लाजमी करनी होती है। और एडल्ट्स में अगर पहली एपिसोड है पेरिटॉन्सिलर एब्सेस की तो हम टॉन्सिलेक्टमी नहीं करते, वो ठीक हो जाती है, अगर दोबारा एपिसोड होगी तो फिर तो लाजमी हमने करनी है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है। फिर अगर किसी को टॉन्सिलाइटिस ही होता है लेकिन इतना सवेर होता है कि उसके साथ उसे झटके लगते हैं, सीजर्स होते हैं, ठीक है, टॉन्सिलाइटिस विद सीजर्स, तो बड़ी ही इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है इसके लिए कि हमने इसका टॉन्सिल को रिमूव करना है, ठीक है। फिर हमारे पास ये है कि एक टॉन्सिलाइटिस है एक बंदे को, मतलब क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस है, उसे कोई ज्यादा मसला नहीं है लेकिन मतलब उसे इस किस्म की बात नहीं है कि वो छुट्टी लेनी पड़े, लेकिन उसको प्रॉब्लम ये होती है कि उसके टॉन्सिल्स का साइज इतना बड़ा हो गया है कि उसको खाने में या सांस लेने में या फिर अंदर मतलब डेग्लूटेशन में या फिर स्लीप एपनिया टाइप कोई भी इस तरह का सिम्टम आ रहा है जो उसकी डेली रूटीन में उसे डिस्टर्ब कर रहा है, उसे सांस लेने में वो कहता है कि मेरा सांस सही नहीं आता, कि साइज इतना बड़ा है। आपको पता है दो टॉन्सिल्स का साइज जब बहुत ज्यादा बड़ा हो जाते हैं वापस में मिल जाते हैं, उन्हें किसिंग टॉन्सिल्स कहते हैं। अगर इतने बड़े होंगे तो जाहिर सी बात है कि हमें रिमूव करना पड़ेगा। और आखिरी होती है कि अगर कोई मैलिग्नेंसी की हमें सस्पिशन है, मतलब कोई मैस है जो टॉन्सिल में बन रही है, हमें लगता है कि ये लिम्फोमा हो सकता है या कोई भी किस्म का न्यूप्लाज्म हो सकता है, तो वी हैव टू रिमूव इट। तो दीज आर द एब्सोल्यूट इंडिकेशंस कि हमने करना ही करना जो मैंने लिखी है, ठीक है। रिलेटिव में ये होता है कि अगर कोई बंदा किसी भी चीज़ का कैरियर है, जैसे कई लोग होते हैं जो डिफ्थेरिया के कैरियर्स होते हैं, उनको हर टाइम डिफ्थेरिया नहीं रहता लेकिन उनके टॉन्सिल्स में डिफ्थेरिया
परसिस्ट, उस केस में हमें उनको रिमूव करना है। स्ट्रेप्टोकोकल कैरियर्स जो है, जिनका स्ट्रेप्टोकोकस मुसलसल है, या फिर किसी का अगर वही बात है क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस है या फिर बार बार टॉन्सिलाइटिस है, जिसके साथ आपको होता है कि हमने एक दफ़ा पढ़ा था कि टॉन्सिलाइटिस का जो स्ट्रेप्टोकोकस है, अगर ये आपको टॉन्सिलाइटिस करते तो कई लोगों को इसके बाद रूमेटिक फीवर हो जाता है, क्योंकि इसके अगेंस्ट जो बॉडी में टॉक्सिन बनता है वही टॉक्सिन जाके हमारी बॉडी में हार्ट के अगेंस्ट एक्ट करने लग जाते हैं। तो ऐसी एपिसोड अगर किसी को होगी तो डेफिनेटली आपको टॉन्सिल को रिमूव करना है। ये रिलेटिव लेकिन इंडिकेशन है। पार्ट ऑफ अनदर ऑपरेशन में ये है कि कुछ जैसे अब हमारे पास टॉन्सिलर बेड में ना नाइन्थ क्रेनियल नर्व है, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व टॉन्सिल के बेड में आती है, टॉन्सिल के पीछे आती है। अगर हमें उस नर्व को किसी इस उसके फंक्शन को खत्म करने के लिए हमें उस नर्व को काटना होता है, ग्लॉसोफेरेंजियल न्यूरेक्टमी करनी होती है, उसके लिए हमें पहले टॉन्सिल को रिमूव करना पड़ता है फिर हम उसको काटते हैं। तो ग्लॉसोफेरेंजियल न्यूरेक्टमी इस पार्ट में हमें इसको करना पड़ता है। इसी तरह स्टाइलॉइड प्रोसेस टॉन्सिल के बेड में आता है, उसको रिमूव करने के लिए हमें ये करना पड़ता है। उसके अलावा पैलेटोफेरिंजियोप्लास्टी, कुछ लोग होते हैं उन्हें स्लीप एपनिया सिंड्रोम, स्लीप एपनिया का मतलब होता है कि सोते सोते उनका सांस होने लगता है, बिल्कुल नहीं आ रहा या सांस उखड़ गया या बहुत शदीद उनका सांस खराब हो रहा है, उसमें हमें जो पैलेटोफेरिंजियस मसल है ना उसकी रीअलाइनमेंट करनी पड़ती है। इतना याद रख लें, ठीक है, आसान लफ्ज है, उसके लिए भी हमें टॉन्सिलेक्टमी करनी पड़ती है। मतलब ये है कि इसमें हमें टॉन्सिल से कोई मसला नहीं था, लेकिन टॉन्सिल के बेड वाली एरिया में हमने जाना था किसी भी काम के लिए, उसके लिए हमें टॉन्सिल रिमूव करना पड़ा। ये आपको बिल्कुल पक्की पक्की याद होनी चाहिए, कम से कम एब्सोल्यूट और रिलेटिव इंडिकेशंस तो बिल्कुल पक्की याद होनी चाहिए, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस पे कुछ इस तरह से होती है हमारे पास कि अगर पेशेंट जो है वो या तो इतना ही जहन में रख लें कि कभी भी किसी कोई भी डिजीज होती है, किसी भी सर्जरी के लिए अगर पेशेंट जाता है तो कोई भी बहुत शदीद डिजीज का अगर पेशेंट है या कोई अनकंट्रोल्ड डिजीज का पेशेंट, तो कभी उसकी सर्जरी परफॉर्म नहीं की जाती अनलेस एंड अंटिल इमरजेंसी ना हो, ठीक है। अगर कोई पेशेंट डायबिटीज हाइपरटेंशन का है और उसकी अनकंट्रोल्ड है, ठीक है, सिंपल सी बात है, तो जाहिर सी बात है हम उसकी सर्जरी नहीं करेंगे। अगर एक पेशेंट ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स का है, किसी भी किस्म का ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, कोई लिकीमिया लिम्फोमा टाइप चीज है या कोई सिंपल थ्रोमोफिलिया है, कुछ भी है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें ब्लीडिंग का चांस ज्यादा है, तो उसकी सर्जरी नहीं की जाएगी। 3 साल से छोटे बच्चों की सर्जरी को कोशिश की जाती है कि ना की जाए। किसी का HB लेवल कम है तो सर्जरी करना अवॉइड किया जाता है। ये जनरल बातें हैं, मतलब ये किसी भी सर्जरी के लिए ये प्रोटोकॉल होता है कि ये सारी चीजें ठीक होंगी तो सर्जरी होगी, और सेम गोज फॉर टॉन्सिलेक्टमी। एनेस्थीसिया आपको बता दी, पोजीशन बता दी और मेन स्टेप्स मैंने आपको बता दी। बाकी अगले पार्ट में कहते हैं, किसी को मस्त हो, यू कैन आस्क मी। थैंक यू।